अब देखिए नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है रिवीजन के लिए दिस इज योर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन और वैल्यूएशन वैल्युएशन ये पूरा चार्ट हमने डिस्कस किया था इक्विटी वैल्यूएशन है वो नाम जरूर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन है बट मिक्स है यहाँ पर इक्विटी वैल्यूएशन भी और कॉर्पोरेट वैल्यूएशन और वो हमें पता है वट इज वैल्यू ऑफ बिजनेस दिस इज वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट तो अगर मेरे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गए तो मैं उससे वैल्यू ऑफ़ बिजनेस वैल्यू ऑफ़ बिजनेस रिलेटिव एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल्स में क्या था आपके पास प्रेजेंट वैल्यू मॉडल तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या था वी आर यूजिंग डेटा ऑफ ए कंपनी और रिलेटिव का क्या मतलब था वी आर यूजिंग द

नेट एसेट वैल्यूएशन मॉडल और नेट एसेट वैल्यूएशन किसके लिए की जा रही है दिस इज फॉर डिस्ट्रेस फॉर्म किसके लिए डिस्ट्रेस फॉर्म जिसका गोइंग कंसर्न एजम्पन नहीं है साथ में देख लीजिए वहां पर रिलेटिव वैल्यूएशन में वी हैव पी वैल्यूएशन, वी हैव ईवी बेटा उसके अलावा हमने देख लीजिए दिस इज प्राइस टू सेल्स रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो वो सब हमने वहां पर क्या किया था कवर किया था ठीक है तो देखिए सर सबसे पहले कुछ बेसिक मॉडल्स थे एंड दिस आर पार्ट ऑफ द रिलेटिव वैल्यूएशन डिविडेंड यील्ड वैल्यूएशन मॉडल क्या था डिविडेंड यील्ड हम डिविडेंड यील्ड के बेस पे क्या करने वैल्यूएशन हम डिविडेंड को क्या बना रहे हैं बेस बना रहे हैं तो सिंपली डिविडेंड देख लीजिए कब तक आता रहेगा ये डीपीएस कब तक आता रहेगा इनफाइट तो वैल्यूएशन कैसे होगी कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट एंड द डिस्काउंट रेट इज डिविडेंड यील्ड कुछ भी हो सकता है वहां पर क्वेश्चन में उससे कोई मतलब नहीं है यहां पर जो बेस ऑफ वैल्यूएशन है वो क्या है डिविडेंड्स है ठीक है तो this is DPS upon, दिस इज डीपीएस पी एस अपॉन देख लीजिए डिस्काउंट रेट और डिस्काउंट रेट क्या हो सकता है डिविडेंड ठीक है तो मेरे पास एक बार एमपीएस आ गया दिस इज प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन टुडे और जैसे ही एक बार आ गया तो आप वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लोगे हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर देख लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा देख लीजिए दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ डेफ एड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस ठीक है साथ में आपके पास था वैल्यूएशन मॉडल अगेन अंडिंग वैल्यूएशन मॉडल है तो किसको बेस बना रहे हैं को बेस बना रहे हैं और ईपीएस ये कब तक आता रहेगा इनफाइट तो वहां पर वैल्यूएशन कैसे होगी ईपीएस डिवाइड बाय डिस्काउंटेड और डिस्काउंटेड यहां पर क्या हो सकता है ठीक है साथ में पी वैल्यूएशन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पी वैल्यूएशन हम पी रेशियो को यूज करके क्या निकालना चाहते हैं वैल्यू तो हाउ टू कैलकुलेट पी रेशियो एमपीएस अपॉन ईपीएस अगेन हमारा जो टारगेट है वो क्या है एमपीएस है तो हाउ टू कैलकुलेट ईपीएस इन टू पी रेशियो अब ये टेक्निकली ईपीएस हमारा और पी रेशियो किसकी है कंपेरिबल की है ठीक है तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर यूजिंग द पी वैल्यूएशन तो अगर क्वेश्चन में पी रेशियो दे रखी है तो कहीं ना कहीं किसका रोल है पी वैल्यूएशन का ठीक है साथ में आपके पास हमने जो डिस्कस किया था नेक्स्ट पॉइंट दिस इज वैल्यूएशन बेस्ड ऑन फ्यूचर मेंटेनल प्रॉफिट्स तो फ्यूचर मेंटेल प्रॉफिट्स क्या है कि फ्यूचर में हम कितने प्रॉफिट क्या करेंगे मेंटेन करेंगे और ये फ्यूचर मेंटेनल प्रॉफिट्स कब तक आते रहेंगे इन्फानेट तो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू एज ऑन टूडे दिस इज फ्यूचर मेटर प्रॉफिट डिवाइड बाई डिस्काउंट रेट कैपिटलाइजेशन रेट कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो सबका मतलब क्या है एक ही है तो यहां से क्या निकल के आ रही है वैल्यू ऑफ बिजनेस और अगर मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए तो क्या करूंगा यहां से क्या माइनस कर दूंगा मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड दिस इज एज पर आई मैंने बताया था कि ये मॉडल किसके अकॉर्डिंग है एज पर आईसीआई प्रैक्टिकली सही नहीं है सो इन प्रैक्टिकली ये मॉडल सही नहीं है क्योंकि जो एफ है वो टेक्निकली है किसका इक्विटी का है और यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं दिस इज वैल्यू ऑफ बिजनेस ठीक है तो टेक्निकल एरर है उस क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट में बट दिस इज एज पर आई मैंने बता दिया कि वो किसके अकॉर्डिंग है दिस इज एज पर आई ठीक है अब देखिए आगे यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट हाउ टू कैल्कुलेट फ्यूचर मेंटल प्रॉफिट तो कुछ भी याद नहीं करना सिंपल फ्यूचर मेंटल प्रॉफिट कैसे निकालोगे पहले पास्ट ईयर प्रॉफिट में क्या करेंगे एडजस्टमेंट अगर वहां पर पास्ट ईयर प्रॉफिट की जगह आपको चार पांच सालों के प्रॉफिट दे दिए तो वी आर टेकिंग द एवरेज प्रॉफिट्स एंड दिस इज एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्योंकि प्रॉफिट का मतलब ही क्या है पैट है तो उसको पहले क्या बनाएंगे बिफोर टैक्स सारी एडजस्टमेंट करेंगे और फिर वापस क्या बनाएंगे आफ्टर टैक्स ठीक है तो अब देख लो मेरे पास क्या निकल के आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स अब उसमें एडजस्टमेंट करेंगे तो वहां पर देख लीजिए कुछ एक्सट्रॉनरी इनकम्स थी एक्सट्रॉनरी इनकम्स मतलब जो फ्यूचर में राइज नहीं होंगी तो ऑल इनकम विच आर नॉट लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर तो उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे ऑल एक्सपेंसेस नॉट लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर तो उसको क्या कर देंगे वापस बैक कर देंगे कुछ नए इनकम्स है तो क्या करेंगे एड करेंगे कुछ नए एक्सपेंडिचर्स है तो क्या करेंगे लेस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा फ्यूचर मेटर प्रॉफिट बिफोर टैक्स और माइनस टैक्स करेंगे तो क्या जाएगा फ्यूचर मेटर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ठीक है तो ये आपके पास क्या आ गया फ्यूचर मेंटल प्रॉफिट और कब तक आता रहेगा

वैल्यू निकाल रहे हैं दिस इज फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अब यहां पर कुछ एडजस्टमेंट थी आपके पास लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लाइब्रिटी सब कुछ क्या होगा माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होगी माइनस देख लीजिए दिस इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ डिविडेंड डिविडेंड सब क्या होगा माइनस होगा साथ में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल लाइब्रिटी माइनस होगा साथ में हमने किया था डिस्कस डीटीए एंड डीटीएल तो डीटीए पार्ट ऑफ द एसेट एंड डीटीएल पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल लाइबिलिटी, कंटीजन लाइब्रेटी तो वहां पर अगर कंटीजन लाइब्रेटी एडजस्टमेंट दिया है तो हमेशा उसको क्या मानेंगे? और नोट दे के आएंगे साथ में लाइब्रेटी आर राइजिंग आउट ऑफ दाइपी वो भी क्या मानेंगे एक्सटर्नल लाइब्रेटी और साथ में अगर प्रोपोज इक्विटी डिविडेंट है तो उसको भी क्या मानेंगे एक्सटर्नल लाइब्रेटी बिकॉज तो वहां पर आज के टाइम में हम कहां शो करते हैं दिस अ पार्ट ऑफ कंटीजें लाइब्रेड और कंटीजें लाइब्रेटी के लिए हम क्या कैजन ले रहे हैं दिस अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल लाइब्रेरी इट विल बी मेटेलाइज एट इट्स टू एंड फेयर वैल्यू अब एनईवी तीन तरीके से कैलकुलेट हो सकता है दिस इज बेस्ड ऑन नेट बुक वैल्यू दिस इज बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू एंड दिस इज बेस्ड ऑन लिक्विटिंग वैल्यू करना क्या है एग्जाम में जिन एसेट्स की मार्केट वैल्यू दे रखी है तो हम क्या ले लेंगे मार्केट वैल्यू और जिसका नहीं दे रखा है तो क्या ले लेंगे बुक वैल्यू फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज गिवन टू द मार्केट वैल्यूज इज वी आर कंसिडरिंग द बुक वैल्यूज नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिस इज इकोनॉमिक वैल्यू एडिड वॉट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडिड सर हम कितना इकोनॉमिक वैल्यू एडिट कर रहे हैं किसके लिए दिस इज फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और इस पर क्वेश्चन आई रहा है अभी तक अगर तीन एग्जाम हुए न्यू कोर्स में तो दो बार आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया दिस इज फ्रॉम ईवीए ठीक है तीके? तो इसका मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में आने की प्रॉबलिटीज है तीन बार न्यू कोर्स के एग्जाम में दो बार आ चुका है ठीक है, जबकि बड़ा टॉपिक नहीं है बट आपको दो बार क्या हो चुका है टेस्ट हो ठीक है, तो है? तो है तो देख लीजिए सर दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द इकोनॉमिक वैल्यू एडिट पहली बात दिस इज ए रजिस्टर्ड मॉडल क्या है आपके पास रजिस्टर्ड मॉडल है दिस इज गिवन बाय द स्टर्न स्टीवर्ड एंड कंपनी ठीक है तो वहां पर आपके पास हाउ टू कैलकुलेट ईवीए तो उसके लिए उन्होंने एक लाइन दी है वो मैंने आपको सिखाया था दिस इज द एक्सेस रिटर्न ओवर द मिनिमम रिटर्न तो उसको मत भूलना वो लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेस रिटर्न ओवर मिनिमम तो मिनिमम हमें कितना कमाना है टू सेटिस्फाई द इक्विटी दिस इज के टिसफाई द प्रेफरेंस दिस इज केपी दिस इज टू सेटिसफाई करने सब कौन है यहाँ पर दिस आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म की कोई बात नहीं है तो ये ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है दिस इज फ्रॉम द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू और वहां पर देख लीजिए हम क्या यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबको सेटिस्फाई करने के लिए कम से कम कितना कमाना है दिस इज कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल किस पे कमाना है जितना पैसा उन्होंने क्या किया है इन्फ्यूज किया है और उसको क्या बोलते हैं कैपिटल

माइनस के ओ इंटू एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड देख लीजिए तो आपके पास क्या जाएगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड तो हाउ टू कैलकुलेट नो पैट दिस इज इबिट नेट ऑफ टैक्स अब यहां पर स्पेशली दे आर यूजिंग द वर्ड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इसी की एडजस्टमेंट थी इस बार क्वेश्चन में ठीक है तो उन्होंने वहां पर कुछ ऐसे वहां पर लॉसेस थे वो कहां से राइट ऑफ कर दिए थे इबिट से तो उस केस में उसको वापस क्या करना था एडबैक करना था ठीक है बिकॉज दे आर गिविंग यू द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो सिर्फ कौन से प्रॉफिट लेने हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है ठीक है तो वो सिर्फ आपको वर्ड से समझना है उसके लिए आप कितनी भी एडजस्टमेंट कर लो रट लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको वो कॉन्सेप्ट से जाना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में आना चाहिए नो no पैड मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ ऑपरेशन वाला लेंगे अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग पार्ट है तो उसको क्या कर देंगे एडजस्ट कर देंगे तो देख लीजिए तो इट एक्सक्लूड नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसिज लॉसेज एक्सेट्रा तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स देख लीजिए दीज आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स देख लीजिए लॉसेज है तो वहां पर एक्सपेंसिज है वापस क्या कर देंगे एडबैक इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ट्रेडिंग इन शेयर एंड बॉन्ड्स एंड द नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम लोन्स एंड तो जो भी आपने दे रखे हैं, उस पे करेंगे एक्सक्लूड करेंगे तो वहां पर सिर्फ कौन से वाला पार्ट लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला पार्ट ठीक है साथ में आपके पास दिस इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल के निकालोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी वेट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेफ्ट वेट ऑफ डेफ्ट कॉस्ट ऑफ रेफरेंस वेट ऑफ रेफरेंस के ही कैसे आएगा यूजिंग कैपिटल मॉडल और डिविडेंड डिस्काउंट के डी कैसे आएगा इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स केपी कैसे आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड वन प्लस सीडीडी ठीक है क्योंकि वहां पर कंपनी डबल कॉस्ट इंकट कर रही है तो प्रेफरेंस डिविडेंड दे रही है साथ में सी डी तो पे, पे कर रही है तो दोनों ही उसकी कॉस्ट है तो क्या होगा वन प्लस सीडीडी नाउ द नेक्स्ट वन दिस इज कैपिटल इन्वेस्टेड तो मैंने पहले ही बताया कॉन्सेप्ट से जाना है कैपिटल इन्वेस्टेड जितना भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो उस पर हमें क्या निकालना है देख लीजिए ईवीआई कैलकुलेट करना है तो वहां पर उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो निकालना है तो उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया इक्विटी होल्डर्स ने तो दिस इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेंस प्लस माइनस प्रीमियरी एक्सपेंसिस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पियडल डेबिट बैलेंस प्लस डिबेंचर्स प्लस प्रेफरेंशियस प्लस लॉन्ग टर्म लोन तो सिर्फ लेने कौन से वाले हैं लॉन्ग टर्म वाले ठीक है शॉर्ट टर्म वालों को कंसिडर नहीं करना है अगेन वी आर फॉलोइंग द मैचिंग प्रिंसिपल प्रिंसिपल मैचिंग का क्या मतलब है इधर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो इधर ऑपरेटिंग क्या होना चाहिए कैपिटल इन्वेस्टेड तो अगर मैंने कोई हंड्रेड करोड़ ले लिया किसी से बट मैंने उसको कहां उसमें से दस करोड़ कहां लगा दिया है नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स में लगा दिया है तो उस केस में क्या करेंगे उसको एक्सक्लूड करेंगे तो वी शुड फॉलो द मैचिंग

अगर लाइब्रेटी साइड का डेटा दिया तो वो तो आगे आपको दिस इज इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शोल्डर फंड प्लस प्रेफरेंस प्लस डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स और क्या माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स ये माइनस कर देंगे सर ठीक है अब मुझे क्या निकालना है एसेट साइड से निकालना है तो कैसे निकालोगे टोटल एसेट्स लूंगा और टोटल एसेट्स में से क्या माइनस करूंगा नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स साथ में क्या माइनस करूंगा प्रीमियरी एक्सपेंसिस एक्सपेंडिचर पी एंडल डेबिट बैलेंस और क्या माइनस करूंगा सिर्फ शॉर्ट टर्म वाला समझ कौन से वाला शॉर्ट टर्म वाला सिंपल है है सर ठीक है? तो वो मैंने पूरा आपको अच्छे से एनालाइज हुआ है तो वो आप एक बार देख सकते हैं ठीक है साथ में आपके पास देख लीजिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अगर दो बैलेंस शीट दे दिया तो वी आर टेकिंग द एवरेज वैल्यू बट एवरेज हमेशा पास का होगा फ्यूचर का कभी एवरेज नहीं होगा ठीक है तो साथ में आपके पास एक और एडजस्टमेंट थी मुझे नोपेड निकालने के लिए कहां पर पहुंचना है इबेट पे, अगर में दे दिया, तो एडजस्टमेंट तो क्या क्या तो हमें ध्यान रखनी है अगर वहां पर अर्निंग बिफोर टैक्स दे दिया तो उसमें क्या ऐड कर देंगे इंटरेस्ट अगर आपको पैड दे दिया तो उसको पहले क्या बनाएंगे बिफोर टैक्स और उसमें क्या ऐड कर देंगे इंटरेस्ट और अगर वहां पर अर्निंग फॉर इक्विटी दे दिया तो उसमें क्या ऐड करेंगे देख लीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड उसको क्या बनाएंगे बिफोर टैक्स और वापस क्या करेंगे एड इंटरेस्ट तो याद कुछ नहीं करना है सिर्फ किसको किसके थ्रू जाना है इनकम स्टेटमेंट के थ्रू जाना है तो दिस इज इविड माइनस इंटरेस्ट दिस इज अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स पैट ठीक है तो अगर पैड दे दिया तो वापस अर्निंग बिफोर टैक्स पे जाएंगे तो क्या कर देंगे ग्रॉस ग्रॉसअप और अर्निंग बिफोर टैक्स में क्या ऐड कर देंगे इंटरेस्ट तो क्या निकल के आ जाएगा कुछ भी याद नहीं करना है कोई फॉर्मुला नहीं है तो दिस इज नो पैट माइनस के वन टू कैपिटल इन्वेस्टेड तो वो वो मैंने पूरा लिंक वर्ड्स को ध्यान रख दिया एक्सिस रिटर्न ओवर द मिनिमम रिटर्न ठीक है तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडिड यहां पर कुछ एडजस्टमेंट थी वो हमने डिस्कस की थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हैव टू बी एडजस्टिंग यूजिंग द

इन्वेस्टेड ठीक है साथ में इफ द बैलेंस बुक वैल्यू एंड साथ में आपको क्या दे दी है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो जब हम इन्वेस्टेड तो कैपिटल साथ में यहां एक छोटा सा पॉइंट था क्वेश्चन के अंदर इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फम एंड डिविडेंड इज पेड अकॉर्डिंग टू दी ए तो वहां पर अगर डिविडेंड पे कर दिया है तो उस केस में वैल्यू ऑफ द फम विल फॉल और अगर आप डिविडेंट पे आउट नहीं करोगे तो वैल्यू ऑफ फम विल इंक्रीज तो वहां पर यही पॉइंट था कि वैल्यू ऑफ द इफ़ डिविडेंड इज पेड अकॉर्डिंग टू कंपनी शुड यूज द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट विच कैन इंक्रीज ग्रोथ रेड एंड इफ इविटेड हायर ऑल इज इक्वल्यू ऑफ द फम विल इंक्रीज तो एक क्वेश्चन का छोटा सा वार्ड था यह ठीक है साथ में अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच दिस इज डीसी फ्री कैश फ्लो अप्रोच और फ्री कैश फ्लो ऑफ रोज का जो बेसिक पार्ट था वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं दिस इज कैलकुलेशन ऑफ एफ सी एफ एन एफ सी एफ एफ सिर्फ उसके बेस पे अब क्या सीखनी है वैल्यूएशन तो सबसे पहले यहां पर वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीवी वो कॉन्सेप्ट हमने यहां पर यूज किया था कि हम एनपीवी कैलकुलेट कर रहे थे बेसिकली इनफ्लो माइनस आउटफ्लो तो जब हम फ्री कैश फ्लो निकाल रहे हैं तो फ्री कैश फ्लो में वी आर यूजिंग कि कंपनी हर साल इनफ्लो जनरेट करेगी और हर साल उसमें से क्या करेगी इन्वेस्टमेंट करेगी इन द कैपिटल इन द वर्किंग कैपिटल ठीक है तो वो वहां पर concept था तो सबसे पहले हमें क्या निकालने थे फ्री कैश फ्लो फॉर द ईच ईयर हर साल के क्या निकालेंगे फ्री कैश फ्लो अब वहां पर देखना होगा दिससेप्ट द एफ ऑफ एफ और एफ 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 तो वो अभी दो मिनट में देखते हैं साथ में हम क्या निकालेंगे

वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैसे निकालोगे कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट अगर वो कह रहे हैं कि फिफ्थ ईयर के बाद टेन परसेंट की क्या आती रहेगी ग्रोथ आती रहेगी तो कौन सा मॉडल लगा दोगे मॉडल तो दिस दिस इज इज लास्ट ईयर कैश फ्लो जो भी थे प्लस जी अपॉन के या माइनस जी और उन सबकी क्या कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू बस याद रखना कैलकुलेशन कब होगी टर्मिनल वैल्यू की एट द एंड ऑफ फोरकास्टेड पीरियड तो अगर क्वेश्चन में पांच साल है तो कब कैलकुलेट होगा फिफ्थ ईयर के एंड पे अगर तीन साल है तो कब कैलकुलेट होगा थर्ड ईयर के एंड पे ठीक है साथ में डिस्काउंटेड तो वी आर यूजिंग यूज यूज होगा जब आप FCFF यूज करेंगे वैल्यू ऑफ निकालना चाहेंगे और अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना चाहेंगे तो क्या यूज करेंगे K. और इन सब की प्रेजेंट वैल्यू करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा वैल्यू ऑफ द फर्म और द वैल्यू ऑफ इक्विटी इफ यू आर यूजिंग एफ सी एफ एफ वैल्यू ऑफ फर्म आएगा इफ यू आर यूजिंग एफसीएफ क्या आएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी ठीक है तो यहां पर जो फ्री कैश फ्लो अप्रोच थी ना वो कब यूज कर रहे थे जब वहां पर देख लीजिए आपके डिविडेंड के ट्रेंड्स नहीं है वहां पर कोई वहां पर रेगुलर कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है वैल्यूएशन किसके प्रोस्पेक्ट से कर रहे हैं फ्रॉम द मर्जर समझ पा रहे हैं एक्विजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वहां पर कंट्रोल चाहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन करना चाहते हैं तो कौन सी हम यूज करेंगे फ्री कैश फ्लो अप्रोच और ये जो अप्रोच है वो किस कॉन्सेप्ट को यूज कर रही है एनपीवी हर साल कंपनी इनफ्लो जनरेट कर रही है और हर साल इनफ्लो में से क्या स्पेंड कर रही है दिस इज योर इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दिस इज इन योर वर्किंग कैपिटल उस पॉइंट को मत भूलना तो देखिए वी हैव थ्री टू टाइप्स ऑफ फ्री कैश फ्लोज द फर्स्ट वन इज एफसीएफएफ एंड द सेकंड वन इज एफसीएफई ठीक है तो आपके पास दो टाइप के फ्री कैश फ्लोज हैं एफसीएफएफ एंड एफसीएफई एफसीएफएफ का क्या मतलब है फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म और एफसीएफई का क्या मतलब है फ्री कैश फ्लो फॉर द इक्विटी व्हाट इज एफसीएफएफ दिस इज विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन और एफसीएफई क्या है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन टू द एडेंचर्स प्रेफरेंस एक्सेप्ट इक्विटी ठीक है और याद रखना पूरा जो कॉन्सेप्ट है किसके पॉइंट ऑफ फ्रॉम द

यहां पर क्या निकल के आएगा वैल्यू ऑफ फर्म और यहां पर क्या निकल के आएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी और अगर मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए तो हम क्या करेंगे वैल्यू ऑफ फर्म में से क्या माइनस कर देंगे मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट हाउ टू कैलकुलेट एफ सी एफ एफ हम कई बार कर चुके हैं तो दिस इज द कैश फ्लो अवेलेबल फॉर द होल फॉर्म विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन तो दिस इज माइनस डेप्रिशिएशन इबिट माइनस टैक्स क्या जाएगा नो पैड वापस बैक करेंगे डेप्रिशिएशन माइनस देख लीजिए इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करेंगे और साथ में क्या करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा दिस इज फ्री कैश फ्लो फॉर द फॉर्म दूसरी तरफ आपके लीजिए और FCFE में दो चीजें थी या तो आपके पास है या नहीं है अगर है है अगर तो उस केस में मुझे पता है कि वहाँ पर पोर्शन ऑफ इक्विटी कितना है तो जब वहां पर माइनस प्लस करेंगे तो क्या करेंगे परसेंटेज ऑफ इक्विटी तो पहली बात वहां पर दिस इज आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल एक्सेप्ट इक्विटी तो दिस इज इबिटा माइनस डेप्रिशिए माइनस इंटरेस्ट टैक्स तो आपके पास क्या निकल के आ गया पैट वापस एडबैक क्या करेंगे डेप्रिसिएशन माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल और साथ में क्या करेंगे परसेंटेज ऑफ इक्विटी क्यों परसेंटेज ऑफ इक्विटी अब देख लो पैट में से क्या माइनस करूंगा इक्विटी इन्वेस्टमेंट बस उसको मत भूलना पैट में से क्या माइनस करना है इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो क्या निकल के आ जाएगा Ratio क्या है? तो साथ में अगर आपको नहीं पता कि डेफ फाइनेंसिंग रेशियो क्या है तो उस केस में मैं क्या करूंगा इक्विटी इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या करूंगा नेट इन्वेस्टमेंट में से क्या माइनस करूंगा नेट बोरिंग तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास इक्विटी

माइनस डेप्रिसिएशन प्लस माइनस इंक्रीज इन वर्किंग इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और जब स्टेटमेंट में जाएगा तो क्या होगा प्लस डेप्रिसिएशन माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल तो दिस इज योर नेट इन्वेस्टमेंट और प्लस नेट बॉरिंग्स तो क्या निकल के आ जाएगा एफसी एफ ई ठीक है तो हर साल का हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे एफसी एफ एफ और द एफसी एफ ई अगर वैल्यू ऑफ फम चाहिए तो एफ सी एफ एफ और अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए तो एफ सी ठीक है अब मुझे उसको यूज़ करके क्या निकालना है वैल्यू ऑफ फर्म और वैल्यू ऑफ फर्म के लिए हम क्या करेंगे जितने भी फ्यूचर आपके कैश फ्लोज है उनकी क्या करनी है प्रेजेंट वैल्यू अगर FCFF है तो वैल्यू ऑफ फर्म आएगा और एफ सी एफ तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा तो मैं फ्यूचर कैश फ्लो की क्या कर दूंगा प्रेजेंट वैल्यू साथ में हम क्या कैलकुलेट करेंगे टर्मिनल वैल्यू और टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास दो है। कॉन्सेप्ट हैं पहला तो देख लीजिए आपको इंफरनेट तक ग्रोथ कितनी आती रहेगी मान लो टेन तो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू लास्ट कैश फ्लो वन प्लस जी डिवाइड बाई के उसकी भी क्या करेंगे प्रेजेंट वैल्यू तो ये कब कैलकुलेट हो रहा है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर तो यहां पर पावर क्या आएगी थ्री आएगी ठीक है अगर वहां पर दूसरी एजमिशन है कांस्टेंट कांस्टेंट मॉडल मॉडल क्या कह रहा है जो लास्ट ईयर सी एफ थ्री है वो कब तक आता रहेगा इंफानेट तो वैल्यूएशन कैसे होगी कैश फ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट और वो भी कैलकुलेट कब होगा थर्ड ईयर के एंड पे ठीक है तो बस वो ध्यान रखना है तो कॉन्टिन्यूंग वैल्यू और द टर्मिनल वैल्यू क्या है बेसिकली कि हम वहां पर देख लीजिए हम कितना वैल्यूएशन कर सकते हैं दो से तीन साल का वैल्यूएशन कर सकते हैं बट देख लीजिए बिजनेस तो कब तक चलता रहेगा इनफरनेट तो वी आर टेकिंग सम यूनिफॉर्म एक्म्सन ठीक है नाउ द नेक्स्ट वन इज मार्केट वैल्यू एडेड तो ईवी हमने कैलकुलेट कर लिया देख लीजिए अब मुझे क्या चाहिए मार्केट वैल्यू एडिट मार्केट में कितना वैल्यू एडिशन किया तो यहां पर दो पॉइंट ऑफ व्यू है एक इक्विटी शोल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू और एक पूरी फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है दिस इज फ्रॉम द ओवरऑल कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू तो सबसे पहले फ्रॉम द इक्विटी शोल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू तो इक्विटी शोल्डर्स ने हंड्रेड करोड़ लगाए थे सर और आज हंड्रेड करोड की वैल्यू कितनी हो गई है टू करोड़ तो वट इज योर वैल्यू एडिशन हंड्रेड करोड़ वट इज हंड्रेड करोड़ कितना फंड उन्होंने इन्वेस्ट किया था दिस इज इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज 200 करोड़ दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी एज ऑन

फाइव हंड्रेड सी आर देख लो और आज के दिन उसकी वैल्यूएशन कितनी हो गई है एट हंड्रेड सी आर तो वट इज योर वैल्यू एडिशन थ्री हंड्रेड सी आर वट इज एट हंड्रेड करोड दिस इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस एज ऑन टूडे माइनस वट इज फाइव हंड्रेड करोड़ दिस इज टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड एंड दिस इज फ्रॉम द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकालते हो अभी सीखा हमने ईवीए में तो दिस इज इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सर्वस माइनस प्रीमियरी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पीडल डेबिट बैलेंस प्लस डिवेंचर प्लस प्रेफरेंस प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स खत्म सर तो ये रहा सर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड अब मुझे वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालनी है यूजिंग ईवीए मेथड अब याद रखना बस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इकोनॉमिक वैल्यू एडिट समझ पा रहे हैं तो ये क्या था एडिशनल वैल्यू था समझ पा रहे हैं ये क्या था एक्सेस रिटर्न रिटर्न ओवर मिनिमम तो ईवे की अगर वैल्यूएशन करोगे तो क्या निकल के आएगा एमवीए बस ये अगर पता है तो फिर ये एक मिनट का पॉइंट है और अगर ये नहीं पता है तो आप घूमते रहो सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ नहीं आने वाला आपको ठीक है तो ये याद रखना ईवे क्या था एक्स्ट्रा वैल्यू और एक्स्ट्रा वैल्यू की वैल्यूएशन करोगे तो क्या आएगा देख लीजिए एक्स्ट्रा इनकम थी और एक्स्ट्रा इनकम की वैल्यूएशन करोगे तो क्या आएगा एक्स्ट्रा वैल्यू ठीक है एक्सेस रिटर्न ओवर मिनिमम रिटर्न था ना EVA. तो अगर एक्स्ट्रा इनकम की वैल्यूएशन करोगे तो क्या आएगी एक्स्ट्रा वैल्यू और एक्स्ट्रा वैल्यू को क्या बोलते हो मार्केट वैल्यू एडेड ठीक है तो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बिजनेस यूजिंग द ए वैल्यूएशन तो हम क्या करेंगे जितना पैसा मैंने इनफ्यूज किया दिस इज कैपिटल इन्वेस्टेड और उसमें क्या एड कर दोगे मार्केट वैल्यू एडेड तो क्या निकल के आ जाएगा वैल्यू ऑफ बिजनेस एज ऑन टूडे और अभी हमने वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे देख लो एमवीए कैसे निकालना था वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड अभी तो निकाल देख लो सर वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड तो क्या था मार्केट वैल्यू एडिड और व्हाट इज वैल्यू ऑफ बिजनेस दिस इज कैपिटल इन्वेस्टेड प्लस एमवीए और एमवीए कैसे निकलेगा ईवीए की क्या कर देंगे वैल्यूएशन तो आपको अगले तीन साल के ईवीए दे रखे हैं तो फ्यूचर ईवीए की क्या कर दोगे प्रेजेंट वैल्यू अगेन वहां पर दो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टेंट मॉडल एंड कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल तो अगर तीन साल के बाद ईवीए आता रहेगा इनफानेट तो ईवीए डिवाइड बाई डिस्काउंट रेट और अगर उसमें ग्रोथ आती रहेगी तो हम क्या करेंगे ईवीए जो थर्ड ईयर का था ईवीए थ्री वन प्लस जी अपॉन के ओ माइनस जी क्यों के हो क्योंकि ईवे की कैलकुलेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और वहां पर डिस्काउंटेड क्या है के ओ है हर चीज का रीजन है सर ठीक है तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया दिस इज योर वैल्यू ऑफ बिजनेस यूजिंग द मेथड कभी भी सरप्राइज हो सकता है अभी तक एग्जाम में नहीं आया है। और सिर्फ आर टीपी में दिखाया ठीक है देख लीजिए दिस इज योर कॉन्स्टेंट मॉडलिजम्शन तो ईवीए डिवाइड बाई डिस्काउंट रेट और अगर कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल होगी तो क्या करोगे ईवीए थ्री अगर तीन साल है तो वन प्लस जी अपॉन क्यू माइनस जी और उसकी क्या कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ठीक है तो कोई भी अगर डाउट है कंफ्यूजन है तो बता दीजिए दिस इज योर फुल फ्लैच पार्ट वैल्यू ऑफ बिजनेस दिस इज कॉर्पोरेट वैल्यूएशन